नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निहार रंजन महंत, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मिस्टर केफ हैं, एज अबाउट 19 इयर्स। ये फ्रॉम लास्ट ईयर हमारे पास आकर ट्रीटमेंट लेने हैं। ये किडनी कुष्ठ से पीड़ित थे, जिसको हम सोरियासिस के नाम से जानते हैं, और ये खुद बताएंगे इनकी ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस के बारे में। कुछ वक्त पहले मुझे आपके बारे में पता चला था, एक साल पहले जब मैं बीमार था बहुत, मैंने बहुत जगह दिखाया, लखनऊ, अलीगढ़, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ एलोपैथिक में। तो फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे यहाँ का बताया, वो लेकर आया, सर से मिलवाया, फिर सर ने मुझको टाइम दिया कि इतने वक्त में मैं आपको बिल्कुल ठीक करके दूंगा। तो मैंने इन पे पूरा भरोसा करा। उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक से इलाज करवाया। इन्होंने पहले शुरुआत में स्टीम और मसाज शुरू की, उसके बाद घी जो मॉर्निंग में पिलाया जाता था जैसे ट्रीटमेंट के तरह, तो उसके बाद धीरे धीरे मुझको फायदा मिला। और जो बीमारी मैं पिछले 6 महीने से लगातार झेलता चला रहा था, उन्होंने 1 महीने में उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। आप देख सकते हैं मेरी स्किन पहले ऐसी नहीं थी कि मैं खोल के घूमूं, बिल्कुल ख़राब हो गई थी सोराइसिस बीमारी की वजह से, पर आज सर की बदौलत मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। आयुर्वेदिक में बहुत अच्छा सुधार है, अब बस सर की देन है। लास्ट ईयर जब ये हमारे पास आए थे, मार्च के महीने में ये हमारे पास आए थे, तो उस समय इनके पूरे बॉडी में सोरियाटिक लेजन्स था, पूरे बॉडी से इचिंग और स्केलिंग हो रहा था, और पेशेंट बहुत ही एक्सियस स्टेज में रहता था, एंग्जाइटी स्टेज में रहता था, इवनिंग फूड को रात को नींद भी नहीं आती थी। तो ऐसे कंडीशन में हमने उनका ट्रीटमेंट चालू किया। सबसे पहले पेशेंट का फेथ इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए केवल उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन कुछ दिन के लिए किया, सोराकोट ऑयल के साथ, सोराकोट ऑयल और उसके साथ महातिक्त व्रतम हीन मात्रा में सेवन करने के लिए दिया, और फिर उसका कुछ दिन अभ्यंग स्वेदन किया गया, कुष्ठ हर द्रव्य से द्रव्य का नाड़ी स्वेदन किया गया, और फिर पेशेंट को जैसे ही स्केलिंग थोड़ा कम हुआ, पेशेंट राजी हुआ शोधन करने के लिए, और पेशेंट के कुछ कॉन्फिडेंस आने के बाद हमने इनका शोधन किया, शोधन क्रम किया। पहले तो हमने स्नेहपान करवाया महातिक्त व्रतम से, उसके बाद इनका विरेचन करवाया लगातार। लास्ट ईयर 2021 में इनका 3 बार विरेचन हुआ, एक मार्च में हुआ था, फिर अगस्त में, फिर उसके बाद सितंबर के महीने में 3 बार शोधन हुआ। उसके बाद उनके बॉडी से संपूर्ण लेजन चला गया था, कुछ दिन के लिए उन्होंने मेडिकेशन चालू रखा, लेकिन बाद में 1 साल बाद अभी वो फिर से रिटर्न आए हैं। अभी उनकी बॉडी में कुछ स्पॉट्स फिर से आ गए हैं, आप देख सकते हैं हाथ में कुछ स्पॉट्स उनके निकल आए हैं। इस तरह से स्पॉट्स उनका अभी फिर से जनरेट हो रहा है। बेसिकली ये हमें ये जानना चाहिए कि जो भी सोरियासिस है या फिर हम आयुर्वेद में किडनी कुष्ठ कह रहे हैं, ये संपूर्ण इसका चिकित्सा उपलब्ध नहीं है, ये हमें बार बार इसका शोधन करते रहना है। शरीर का शोधन अगर ऋतु संधि में हम शोधन करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, दोष कैसे भी प्रकोप ना हो उसके लिए हमें ध्यान देना है, और रेगुलर पीरियड में हमें शोधन करते रहना है तो पेशेंट स्वस्थ रहेगा। आप लोगों ने अभी सुना, एक पेशेंट ने खुद ही डिस्क्राइब किया कि उनको कैसे सोरियासिस जैसी बीमारी से कैसे राहत मिली। आप भी अगर ऐसे क्रॉनिक स्किन डिजीज से पीड़ित हैं, सोरियासिस या फिर एक्जिमा जैसे क्रॉनिक स्किन डिजीज से पीड़ित हैं, तो आप भी आके आयुर्वेद ट्रीटमेंट का लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।